नहीं मालूम था मुहाई जवानी जिंदगी में हमने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेला है अपने जान अगर तुम्हें जरा भी परवाह है तो चल जाओ बहुत सही खजाना का मैं नक्शा बता दू कहां है खजाने का नक्शा खजाने का नक्शा कि हम तुम्हारे चेहरे का नक्शा भी ला दे तुझे मैं खजाने का नक्शा कभी नहीं बताऊंगी कभी रानी साहबा कान खोल कर सुन लो आज तक हमारी ईमानदारी देखी है लेकिन बेईमानी तो हो आज शुरू किया है तुम्हारे सामने तुम्हारे राज रियासत को तबाह बर्बाद करने का और कोई नहीं ये ठाकुर रणवीर सिंह है ये दिन तो हमें बहुत पहले हासिल करना था लेकिन वक्त के हाथों मजबूर रहा इसका मतलब कि मेरा बेटा प्रिया का खून नहीं किया था तूने झूठा इल्जाम लगवाकर मेरे बेटे का लेकिन उसके खिलाफ सारे सबूत थे इसलिए उसे मजबूरन मुजरिम बनना पड़ा बहुत कमीना आदमी हूँ मैं बहुत कमीना और अभी हमारा कमीना बंदेगा कहाँ है अरे देखते जाओ देखने के लिए अभी रात ही बाकी है और हम बेटे की बात भी बाकी है रानी बोला भी खजेगा हरियाली का नक्शा बनाती हूँ या हम तुम्हारा यहाँ से तबादला करें कर दो तबादला बक कर दो मुझे मंजूर है लेकिन खजाने का नक्शा मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम मरने को तैयार हो जाओ और जाओ तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा शिवम सेनापत हो तो तुम्हारे जैसे हो देखो राजमाता तुम चिंता ना करो ये तो हमारे सिकंदे में है लेकिन उससे पहले अरे वाह अरे तू तो हमारे शॉप का निकला अरे खत्म कर दे ससुरी को खत्म कर दे और बाप दे हम दोनों मिलकर यहाँ के 50 करके बोली बन जाएगी लगे रणवीर सिंह खत्म नहीं करने आया हूँ वहां से न पतवा यही दिन देखने के
इसलिए तुझे मैं नौकरी दी। बहुत बड़ा और बड़ा भक्त तूने निभाया है सेनापति का। वाह राजमाता, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, मेरी मजबूरी है राजमाता। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारी माँ दोनों आंखों की अंधी है, बेचारी तांत्रिक नर्सिंग के कैद में पड़ी हुई है। तांत्रिक नर्सिंग? हाँ, और उसने बोला है कि अगर राजमाता को कैद करके लाओगे तभी मैं तुम्हारी माँ को जीवित छोड़ूंगा। वो हरामजादा मेरे ही रियासत में रह रहा है, वो भी तांत्रिक बन के। हाँ राजमाता, पहले ये बताओ तुम्हारे माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम प्रिया है। हाँ, प्रिया तो मेरी बहू है। आपकी बहू? लेकिन वो तो हमारी माँ है। लेकिन मेरी माँ दोनों आंखों से अंधी है। चलो बेटा मैं चल दादी माँ आइए चलो। कौन हो तुम? पहले अपना चेहरा खोल कर दिखाओ मुझे। ये बताओ ये कौन है जिसके लिए आप अपनी जान देने को तैयार है और उसकी जान की भीख मांग रहे हैं? कौन है ये? मेरे बेटा प्रीतम, कोई और नहीं, जिस बच्चे को आपने मेरे गोद में डाला था ये वही बच्चा शिवम है। शिवम, शिवम, तुम्हारा बेटा शिवम। और इस वक्त तुम्हारी पत्नी प्रिया ये तांत्रिक नर्सिंग की कैद में है, चलकर उसे बचाओ बेटा। तुम्हारे पत्नी को बचाने के लिए ये शिवम मुझे वहां ले जा रहा था। माँ, मैं इससे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ बात कर लो बेटा। क्या कहना चाहते हैं सर जी? तो नाम क्या है तुम्हारा बताओ जरा, और करते हो तुम किसी जगह पे गुजर। नाम माँ बाप का तुम बताओ मुझे,
देखा नहीं, आपको हमने अपने देखा नहीं। माँ मेरी अंधी है नाम उसका प्रिया, उसके ना सिवा कोई संसार है। वो भी दोनों आंखों से अंधी है, अपने बाप को मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। बेटा मैं कोई और रहे, मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा। आप तो मेरी दादी माँ है। अभी आपने कहा कि प्रिया आपकी बहू है, लेकिन ये कौन है? मेरा बेटा प्रीता, तुम्हारे पिताजी। पिताजी, क्या आपसे एक सवाल करने का हमें हक है? पूछिए बेटा। मेरी माँ ने ऐसे कौन सी गलती किया था, ऐसा कौन सा कसूर किया था मेरी माँ ने, जो आपने मेरी माँ को जंगल में दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिए और मेरी माँ की दोनों आंखों को क्यों फोड़ दिए? नहीं बेटा, न तुम्हारी माँ की कोई गलती है, न मेरी कोई गलती है, नहीं जो कमीना रणवीर सिंह है, इसीलिए तुम्हारी माँ की आंखों को फोड़ कर बैठे हुए जंगल में फेंका और झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। पिताजी, पूरे पूरे 22 साल गुजर गए, माँ से पूछता रहा कि मेरे पापा हैं कौन, मेरे पापा हैं कौन। मेरी माँ हमेशा यही कहती रही, समय आने पर बता दूंगी बेटा। आज शायद वो समय आ गया है पिताजी, एक बार मुझे अपने स्त्री से लगा दीजिए पिताजी। क्या बना खा पीकर लंबाई चौड़ाई तनी हो गई, अन्न की बजाय माटी खाना शुरू कर दिया है। दुनिया की आंखें खुल रही है, तेरी आंखें सुबह सुबह बंद हो रही है। माटी माटी तो आज तू खा पिया, ए ले के वही ऊपर जनावर आना, माटी तो का नसीबा हो गया। तुमने मेरी माँ के आंखों को क्यों फोड़ा? बड़ी लंबी कहानी है, तुम्हारी माँ हमारी बहन है और उसी के कोख से पैदा होने वाला तो और कोई नहीं, मेरा भांजा है। मैं इस तक तो ताज और राज रियासत की हवस में मैं अंधा हो गया था। मुझे क्या मालूम था कि हमारी जिंदगी में ये भी दिन आएगा और यह देखने के लिए वैष्णव होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आज ही नौकरी पर मैं इसी भाव लगा दूंगा। मेरी माँ की आंखों को फोड़ कर गंगा माँ ने फेंक दिया। आज राज माता से खजाने का नक्शा पूछ रहा है। ए बे साले कल उठा, यहाँ यहाँ साले खेत लल्लू यादव 21 रुपया देता।
तेल न मंगवा के भैया पैसा दे के मर वही है का इनका दुनिया का कायदे से फैला वो तेल लगा के तेल लगा के फैल सुन ये बहुत बड़ा पापी है बहुत बड़ा सारा है मरना चाहता है गिना चाहता है तो भाई हम से चाहता है तो मेरी दादी माँ है दादी माँ अरे दादी माँ ये हमारे पिताजी हैं मैं इनका बेटा हूँ यानी राजदेशक का मैं भी एक हिस्सा हूँ इसलिए मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि मेरी दादी माँ ने मंत्री बनने के लिए जो भी कपड़े इसको दिए हैं ये रंग बिरंगी सारे कपड़े उतार शर्मी वाली बात करते हो तुम्हारी दादी हम खड़ी है और तुम्हारी दादी के सामने मैं कपड़े उतारूंगा पता नहीं है यह रीत रिवाज है अरे रीत रिवाज है कपड़ा उतरवा बता दे लगातार लहसिया फूल है दिया ये जिंदा है ये मरा नहीं है ये सबको नौटंकी दिखा रहा है भाई अबे मेला मालिक तेरे लिए साले मिठाई लेकर आए हैं मेला मालिक संध्या का पंगु नहीं भैया सुबह सुबह नाश्ता हो गया यार हम लोगों ने झूठ बोलकर उठाया मारने के लिए हमारा भाई जानता है
इस समय हम 12 लड़का का मारी यही पे 12 लड़के का बाप है नहीं मालूम का पकड़। और इस वक्त हम लोग चलेंगे शांति नरसिंह के पास, क्योंकि मेरी माँ को और खुद अपने बेटी को साले ने कैद किया है। चलिए हमारे साथ, मारना है। हाँ मारना है, उसी वक्त पिताजी चलिए। इस तरह वो नहीं आएगा, स्लो होगा, वो ना नहीं आएगा। हम बीट बजाना चालू कर रहा हूँ, उसके बाद जरूर भागता हुआ आएगा, बीट की आवाज सुनेगा तो अब तक मरेगी।